हेलो हेलो हेलो, वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं खाना खाने आ गया हूँ पंचवटी गौरव, क्योंकि मेरा बहुत ज़ोर से थाली खाने का मन कर रहा था। और यहाँ मैंने सुना बहुत ज़बरदस्त थाली मिलती है, तो गुजराती और राजस्थानी थाली का मिक्स है यहाँ पे। आज अपन ट्राई करते हैं थाली बाहर आके, घर मंगा के नहीं, बाहर आके। आ जाओ। दोस्तों हमारी थाली तैयार है, और क्या ही कलरफुल थाली, समझ लो। समझ नहीं रहा ना स्टार्ट कहाँ से करूँ। मुझे थाली की बेस्ट बात यही लगती है कि आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, समझ रहे हो। आपके पैलेट में इतने अलग अलग तरह के फ्लेवर्स एक साथ, और सब अनलिमिटेड है। अला कार्ट में क्या होता है कि आपने एक दाल कर ली, एक सब्जी कर ली, रोटी कर ली, वही ऑप्शन है। इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं और अनलिमिटेड है, तो आपको कोई एक चीज़ ज़्यादा पसंद आ गई दूसरे से, खाओ, कौन रोक रहा है, अनलिमिटेड, यही तो फील है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पहले आपको दिखा दूँ है क्या क्या। ये दोस्तों ये है आपका, ये पनीर की सब्जी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये है मूंग दाल, क्या था ये, मूंग, ये है मूंग मसाला, ये देखो दोस्तों मूंग मसाला। ये है आपका रस्से वाला आलू, ये आपकी दाल है। क्या क्यूट क्यूट सी कटोरिया ना, ऐसा छोटे लगा बच्चों को नहीं खाना खिला रहे। ये राजस्थानी कढ़ी, ये है भाई की फेवरेट गुजराती कढ़ी, ये है आपका खिचड़ी, यहाँ पे खिचड़ी के साथ में प्लेन राइस है। ये आपका चूरमा है ना, ये चूरमा है, और चूरमा के साथ आपको दाल बाटी दिखा देते हैं, क्योंकि उसके बिना वो कॉम्बिनेशन अधूरा है। ये हो गया आपका दाल बाटी, और ये है वड़ा, ये है रोटी, ये है मक्के की रोटी। मतलब कौन मक्के की रोटी, उन्होंने ऐसे दी है कि क्या तोड़ोगे आप, इतनी मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे, ऐसे देते, मांगते जाओ एक एक पीस, खाते जाओ एक साथ में पूरी। ढोकला भी है इसमें, शाही टुकड़ा भी है, और यहाँ पे उठा के मैं दिखा देता हूँ बैंगन, ये है बैंगन मसाला बैंगन। और ये क्या चीज़ थी भाई साहब, ये नई चीज़, ये है जीरा पराठा, समोसे के शेप में, ट्राइंगल के शेप में जीरा पराठा, ये नई चीज़ है। चटनी है यहाँ पे, पापड़ है, सैलड है। ये है हमारी कंप्लीट थाली, पहला बाइट लेके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला बाइट मैं लेता हूँ बेसिक एकदम आलू से, कि नोबडी कैन गो रॉन्ग विथ पोटैटो। ये हमारा भंडारे की याद आ गई, ये वाली आलू की सब्जी, थोड़ी सी स्पाइसी की तरफ है, जो मुझे मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बारी है पनीर की, हम ले रहे हैं पनीर की एक बाइट। यह है आपका पनीर, पनीर भी पास हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ों में फ्लेवर का ध्यान रखना भी थोड़ा सा मुश्किल है, समझ रहे हो। आपके पूरी थाली में एक एक चीज़ का ध्यान रखना कि टेस्ट सबका सही हो। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ये राजमा, और क्या था ये राजमा, उड़द, राजमा और उड़द है। ये पहली बार खा रहा हूँ मैंने, उड़द और राजमा अलग अलग खा रखा है, ये दो जिसम एक जान होकर ये पहली बार खा रहा हूँ मैं। अलग फ्लेवर है, एक बाइट और लेनी पड़ेगी। बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर है, मज़ेदार। दोस्तों अब हम बढ़ जाते हैं दाल की तरफ, दाल लेता हूँ मैं रोटी से एक बाइट। ये है इनकी दाल, सिंपल घर जैसी दाल है, बढ़िया। नेक्स्ट बाइट लेते हैं हम राजस्थानी कढ़ी से, ये राजस्थानी कढ़ी से एक छोटा सा बाइट लेके देखते हैं। तो क्योंकि हम राजस्थान और हरियाणा की साइड से हूँ मैं,
तो हमारे जो घर में कढ़ी बनती है वो बिल्कुल ऐसी बनती है, पर जो मुझे पसंद है वो है ये फेवरेट गुजराती कढ़ी, इसका लेके देखता हूँ मैं। इस पर बहुत प्रेशर है परफॉर्म करने का। ओ भाई साहब, इस कढ़ी ने जो मेरी आत्मा को छुआ है, ओहो हो, मज़ेदार। हो नेक्स्ट बाइट मैं ले रहा हूँ मसाला बैंगन की। दोस्तों ये मसाला बैंगन जो छुप के बैठा हुआ है पूरा का पूरा, मैंने ऐसे उठा के भाई साहब, बढ़िया। वेजिटेरियन लोगों के लिए पार्टी है भाई ये। मतलब इतना ज़बरदस्त फ्लेवर है कि आप नॉनवेज मिस नहीं करोगे कि यार हल्का सा ना ये भी हो जाता तो मज़ा आता, बिल्कुल भी नहीं। दाल बाटी टेस्ट करके देखते हैं। तो ये थाली है, ये मिक्स है राजस्थानी और गुजराती का। दाल बाटी का एक बाइट करके देख लेते हैं। बहुत ही सही दाल बाटी का कॉम्बिनेशन होगा चूरमा के साथ। तो ये दाल बाटी थी, चूरमा इसी के साथ, एक बाइट चूरमा की भी लेके देख ही लेते हैं। बहुत ही सही। ये जो क्यूट सी मक्के की रोटी है ये भी तो टेस्ट करके देख लें एक कि भाई साहब इसका क्या सीन है। ये मैं फिर से ले लेता हूँ राजमा के साथ मक्के की रोटी को। मक्की की रोटी का साइज छोटा है पर काफ़ी थिक है जितनी बड़ी होती हो। तो आप समझ में इतनी छोटी क्यों दी है, पूरी देती तो मेरी एपेटाइट उसी से ख़त्म हो जाती है। ये दोस्तों ये है जीरा पराठा, ये नई चीज़ है, ये खा के देखते हैं। ये इधर ये चटनी से, हरे कलर की चटनी से। तो ये बेसिकली समोसे का आउटर कवरिंग है। नाम ज़्यादा एक्साइटिंग था, खाने में ये ठीक ही है, मतलब पराठे जैसे कोई खास स्वीट नहीं है इसमें। तो दोस्तों गुजराती थाली और ढोकला ना, ये कैसे हो सकता है। तो इसमें ढोकला भी है, ये लिया हमने ढोकला का एक बाइट हरी चटनी के साथ। ये हरी चटनी लगाई और भाई साहब ये ढोकला माउथ में मेल्ट हो रहा है, अंदर जाते ही पिघल गया, मुझे पता ही नहीं ढोकला कहाँ गया। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट एकदम। ये एक स्नैक्स में चीज़ दी है इन्होंने, वड़ा जिसके अंदर आलू का मसाला भरा हुआ है, जो वड़ा पाव में वड़ा डालता है उसी का बेबी वर्जन है ये। इसकी बाइट लेके देखते हैं चटनी के साथ। काफ़ी ज़बरदस्त। ये तो हो गया था दोस्तों रोटी पराठा मक्के की रोटी। हल्का सा आपको मैं चावल भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये गुजराती कढ़ी के साथ में हल्का सा चावल लेके मैं गुजरात में, जैसे गुजरात में क्या होता है शादियाँ ना दिन में होती हैं, नॉर्थ की तरह रात का सीन नहीं होता, आफ्टरनून वेडिंग्स होती हैं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट गुजराती वेडिंग्स अटेंड करने का यही था कि गुजराती कढ़ी पीने को मिलेगी, क्योंकि खाता मैं तो पीता हूँ लिटरली। मतलब जब तक ऐसे स्टॉल पे सर्व करने वाला ऐसे आंखें बड़ी करके देखना ना शुरू कर देना कि भाई साहब ये कढ़ी है, कढ़ी की तरह खाओ, तब तक ऐसे लगे रहो बेशर्मी की तरह, इतनी पसंद है मुझे। ये राजस्थानी कढ़ी ली मैंने थोड़े, और एक खिचड़ी का भी बाइट आपको लेके दिखा देते हैं। आप चाहो तो खिचड़ी में घी डलवा सकते हो, आप चाहो तो किसी में भी घी डलवा सकते हो, खुले दिल से घी खिलाते हैं। ये मैं लेता हूँ एक बाइट खिचड़ी और राजस्थानी कढ़ी का। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर में दोस्तों कोई कमी नहीं है, हल्का सा मीठा हो जाए, बाकी सब तो आपको टेस्ट करके दिखाई दिया है। ये हलवा है, ये सूजी का हलवा लग रहा मुझे ये। नाइस, मीठे में ऑलमोस्ट तीन ऑप्शन है, चूरमा हमने खाया ऑलरेडी, हलवा है, और ये है शाही टुकड़ा। ये शाही टुकड़े के साथ हम थाली का समापन करते हैं दोस्तों। ये शाही टुकड़ा ब्रेड को पता ही ना, वो मीठे वाला सीन वो होता ही है।
बहुत ही मज़ेदार दोस्तों। तो बहुत ही ज़बरदस्त थाली दोस्तों, ये गुजराती और राजस्थानी थाली का मिक्स है ये। 580 इसकी कॉस्ट है। पंचवटी गौरव रेस्टोरेंट का नाम है साइबर हब में। बहुत ही ज़बरदस्त, मैं ढूंढ रहा था घर के आसपास कहीं थाली मिल जाए और मैं बहुत ही खुश हूँ ये थाली खा के। तो अगर आप भी कभी मन बने और इस साइड आओ तो खा लेना, है ना। और बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना, इंस्टाग्राम पे बता देना कि अगला क्या ट्राई करना है, कौन सा वीडियो बनाऊँ, कौन सा कुजीन खाऊँ, क्या खाना भाई ये स्टॉल ये रेस्टोरेंट। क्योंकि अपना प्लान है कि जो बहुत फेमस नहीं है और खाना बहुत बढ़िया है वो, तो ऐसी कोई जगह हो दिल्ली के आसपास तो प्लीज़ मुझे बता देना। और बाकी अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में।